वह तो इज्जो मंतशा हो वह तो जिल्लो मंतशा वाली बात जो है वो कुरान हदीस से प्रूफ है, साबित है, और अब ये चीज़ आपकी आंखों के सामने है। वो बंदा जिसको कैप्टेंसी छोड़ने पर मजबूर किया गया था, जिसको ये कहा गया था कि तुम कैप्टेंसी लीव कर दो, जिसके ऑडियो लीक्स किए गए, जिसके खिलाफ प्रोपोगेंडे बनाए गए, जिसके खिलाफ कराची मीडिया जो है, मीडिया माफिया उसको हम कहेंगे, वो बोला बाबर आजम के खिलाफ, आज वही बाबर आजम इस वक्त घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया उसी बाबर आजम ने इस पीसीबी को, इन मीडिया वालों को, इन तमाम लोगों को बाबर आजम ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अब बाबर आजम के आगे घुटने टेक कर बैठे हुए हैं कि भाई कैप्टेंसी ले लो। बाबर कह रहा है कि भाई मैं कैप्टेंसी लूंगा तो तीनों फॉर्मेट्स की लूंगा, वरना मुझे कैप्टेंसी नहीं करने, जिसको मर्जी दे दे मेरी तरफ से, मैं एज ए प्लेयर अच्छी क्रिकेट खेल रहा हूँ और मैं खेलता रहूँगा, मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है, पाकिस्तान मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कैप्टेंसी मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं पाकिस्तान के लिए खेलता रहूँगा, लेकिन अगर आप लोग मुझे कप्तान बनाना चाहते हैं तो मैं तीनों फॉर्मेट्स का कैप्टन बनूंगा, मैं ODIs और T20 का कप्तान नहीं बनूंगा। ये किंग बाबर आजम की जो आगे से जवाब है वो आ चुका है। बाबर आजम ने कैप्टेंसी को एक्सेप्ट करने से इनकार नहीं किया, बल्कि बाबर आजम ने आगे से अपनी शर्त ये वाली रख दी है कि भाई मैं कैप्टेंसी तब एक्सेप्ट करूंगा जब आप मुझे तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बनाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं पहले था। हालांकि कुछ लोग जो हैं वो शान मसूद के बारे में ये बात कर रहे हैं कि शान मसूद ने ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज़ हुई थी टेस्ट वाली उसमें बहुत अच्छी कैप्टेंसी की थी, हालांकि मुझे उसमें जस्ट एक ट्रैविस हेड को आउट करने वाली एक फील्ड प्लेसमेंट के अलावा मुझे कोई कैप्टेंसी में अच्छी चीज़ नज़र आई नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि शान मसूद ने बहुत अच्छी कैप्टेंसी की। मे बी शान मसूद जो है वो अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेता है, अच्छी इंग्लिश बोल लेता है, दैट्स वाई पीपल वांट्स दैट टेस्ट कैप्टन जो है वो शान मसूद को ही रहना चाहिए। बट बाबर ने कहा है कि नहीं भाई मैं सिर्फ टेस्ट का कप्तान नहीं बनूंगा, मुझे मैं सिर्फ T20s का कप्तान नहीं बनूंगा, मुझे साथ में ODIs का कैप्टन भी बनाओ, मुझे टेस्ट का कैप्टन भी बनाओ अगर आप बनाना चाहते हो तो। मतलब ये कि जो रिस्पेक्ट, जो इज़्ज़त मेरी पहले थी वही इज़्ज़त मुझे वापस चाहिए, और मैं ये नहीं करूँगा कि मुझे बस सिर्फ T20 और ODIs का कैप्टन बना दीजिए। ODIs तो फ़िलहाल करीब करीब हैं भी नहीं है, वर्ल्ड कप भी T20s का है तो ODIs तो अभी करीब नहीं है, लेकिन बाबर ने कहा है कि भाई ODI का कैप्टन भी बनूँगा, टेस्ट का कैप्टन भी बनूँगा, तो फुल प्रोटोकॉल के साथ मुझे बनाएं कप्तान, जैसे मुझसे कैप्टेंसी ली थी वापस वैसे ही मुझे कप्तान बना दें, मैं तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बन जाऊँगा। आपके ख्याल में बाबर आजम को ये कैप्टेंसी एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये आप लोग कमेंट्स में लाजमी से बताइएगा, और अगर आप लोग बाबर आजम के फैंस हैं तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करना आपका राइट बनता है, सो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी से करना है आप दोस्तों ने।